इसी तरीके से हर जोन में हम लोग पिछले 3 महीने से एक्सरसाइज कर रहे थे कि जो राउडी शीटर पिछले कुछ समय से क्राइम नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल सिटीजन के ऐसा रह रहे हैं, उनको दोबारा एक नॉर्मल लाइफ लीड करने का हक है और इसीलिए उन लोगों का राउडी शीट हम लोग क्लोज करेंगे। यह एक इंसेंटिव है सबके लिए कि अगर आप अपनी पुरानी गलतियों को बंद करना चाहते हैं और एक नया जिंदगी शुरू करना चाहते हैं तो आपको हम मौका देते हैं, लेकिन अगर दोबारा फिर आप क्राइम करेंगे तो दोबारा फिर राउडी शीट खोल देंगे। इसी तरीके से पिछले कुछ समय में जो नए क्रिमिनल ऑफेंडर्स आए उन लोग के खिलाफ भी राउडी शीट ओपन करेंगे। ये बोथ वे प्रोसेस है, पुराने राउडी शीट को बंद करना और नया राउडी शीट खोलना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो नए लोगों से हमारा उनको वार्निंग भी है, उनको मशवरा भी है, एक बार अगर आपका राउडी शीट खुल गया तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, शायद आपकी शादी भी नहीं होगी। तो इसलिए ये सब सोच के आप गलत रास्ते पे जाएं पहले कि कितना महंगा पड़ेगा आपको। नेबर्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपके मोहल्ले में कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, आप अपने लोकल सेक्टर SI को बताइए, पेट्रोल ऑफिसर को बताइए, ब्लू कोल्ट ऑफिसर को बताइए, एंड डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन। ये हम लोग का कलेक्टिव एफर्ट है कि मिलकर किसी को गलत रास्ते से जाने से रोकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।